गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट देखेंगे। तो एवरेज एटॉमिक वेट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम लोग एटॉमिक मास का एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज एक मैथमेटिकल अगर वर्ड है तो क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है, ये क्वेश्चन से राइज होता है। तो नेचर में जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नेचर में जो एग्जिस्टेंस वो अलग अलग कंपोजिशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जैसे कार्बन का देखा जाए तो कार्बन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C6 12 C6 13 C6 14। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो कार्बन के एटॉमिक वेट किसके एटॉमिक वेट के बराबर कहा जाए। क्या ये कार्बन का एटॉमिक वेट होगा, मतलब 12 इससे आएगा या 13 का है या 14 का है। तो कहता है कि वैसे केस में जब एक से ज़्यादा टाइप का एग्जिस्टेंस हो, आइसोटोप का एग्जिस्टेंस हो, तो उस केस में उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट एवरेज एटॉमिक वेट के टर्म में बताते हैं हम लोग। एटॉमिक वेट बोले या मास बोले, तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा। तो अगर ये मैथमेटिकल टर्म्स है तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे एवरेज एज निकालना रहता था क्लास में। तो एवरेज एज निकालने का क्या तरीका होता है, तो एवरेज एज निकालने का तरीका होता था कि टोटल एज निकालते हम पूरे क्लास का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट ही होगा, जिस प्रॉपर्टीज का निकालना हो, जैसे यहाँ पे एज का निकालना था तो टोटल एज और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर दें। अगर यहाँ पे हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालना चाहेंगे तो टोटल एटॉमिक मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो मास एटम से ही आता है, तो टोटल एटॉमिक मास ना कह के टोटल मास भी कोई कह सकता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे डिफाइंड होगा, हाउ टू डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास, तो एक मैथमेटिकल चीज़ है, वर्ड है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एटॉमिक मास इट इज एवरेज एवरेज मास ऑफ एन एटम इन यू। कोई भी एटम का जो एवरेज मास होगा, हमेशा हम लोग आदत पकड़े हैं ये कि यू के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो कोई भी एटम का एवरेज मास इन यू इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे होगा, एवरेज एटॉमिक मास तो डिफाइंड होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सिंपल मास का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, जैसे जिसका भी एवरेज निकालना है उस जैसे यहाँ एवरेज एटॉमिक मास है तो टोटल एटॉमिक मास बाय टोटल नंबर, उसी को हम टोटल मास लिख दे रहे हैं। तो अगर ये मैथमेटिकल टर्म है तो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इस तरह से दिया हुआ डेटा दिया हुआ इस तरह से, इस साइड आइसोटोप्स का फॉर्म दिया हुआ है, इधर मान लेते हैं कि आइसोटोप्स फॉर्म क्या है, तो क्लोरीन का 35 और 37 और इस साइड है परसेंटेज एबंडेंस बाय नंबर इन नेचर या नेचुरली। तो क्लोरीन का दिया हुआ 35 का दिया 75%
और इसका दिया है 25%। ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है। तो कैसे निकलेगा? तो निकालने का तरीका सिंपल है, मैथ्स है। तो अगर परसेंटेज में दिया है तो टोटल मान लेंगे हम लोग, टोटल मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू 100 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 100 है और नेचर, टोटल नंबर ऑफ आइटम 100 में तो कहाँ पे, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जहाँ भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो 100 आइटम्स है तो इसमें इस टाइप का क्लोरीन आइटम कितना होगा, तो उसका 75% दिया होगा और इसका 25% दिया होगा। तो इस टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ क्लोरीन अगर 100 माने हैं तो इस 100 में 75 आइटम्स क्लोरीन 35 का होगा और 25 आइटम्स क्लोरीन 37 का होगा। तो हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका था टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल मास कैसे आएगा? तो पूरे यूनिवर्स में हम 100 माने हैं और 100 में ये वाला पार्ट 75 एटम्स है। तो इस एटम का, तो एक एटम का मास तुमको पता है कि 35 यूनिट्स होगा। तो हर एटम का मास 35 है तो 75 एटम का मास क्या होगा? तो 75 इंटू 35, क्योंकि 35 कितना टाइम्स, 75 टाइम्स ऐड करना होगा। तो इसकी, इस आइटम की वजह से मास इतना आएगा और इस आइटम की वजह से, तो नेचर में अगर 100 माने थे और ये 25 आइटम्स है और हर आइटम का मास कितना है, 37। तो 37 कितना टाइम्स, 25 टाइम्स, उतना टाइम्स ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्लोरीन का कितना है, 100 है। 100 और इसको हम लोग यू में एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू सॉल्व करने पाएगा 35.5 U। तो बेसिकली ये फॉर्मूला तो हो गया। इस फॉर्मूला को देख के ये भी हम कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज अबंडेंस दिया रहे एलिमेंट का तो एक तरह से ये भी एक फॉर्मूला ही हुआ। क्या? कि परसेंटेज अबंडेंस दिया रहे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हुए सारे आइसोटोप्स के लिए ऐसा काम करके और जोड़ दीजिए, समेशन कर दीजिए। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक और फॉर्मूला हो सकता है इस तरीके से कि समेशन ऑफ परसेंटेज, ये था परसेंटेज, तो परसेंटेज अबंडेंस बाई नंबर इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप, एटॉमिक मास, और सब में हम लोग ऐड करते चले गए हैं, तो ऐड करते चले गए, इसलिए हर तरह के आइसोटोप्स के लिए समेशन कर दिए। समेशन कहने का बेसिक मीनिंग होगा, समेशन रिप्रेजेंट्स एडिशन, सम कर रहे हैं। तो इस तरह से करने के बाद डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये तो मीनिंग था, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल किए क्योंकि टोटल मास निकाल रहे थे तो इस तरह से फॉर्मेट आ रहा था। तो इस फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करके लिख दिए इस तरह से कि अगर परसेंटेज अबंडेंस दिया रहे जिस जिस आइसोटोप्स का, उस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस, और ऐसा करते हुए हर आइटम को, हर आइसोटोप्स के लिए करते हुए ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्लोरीन का जैसे निकाले हो किसी का भी निकाला जा सकता है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास
of carbon where C6-12 98% and C6-14 2% abundance by number. तो क्या होगा, मतलब कार्बन का हमको एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, और कार्बन के यहाँ पे क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है दो ही आइसोटोप दिखाया गया है, एक 12 वाला मास नंबर और एक 14 वाला, जिसमें इसका परसेंटेज एवरेंडेंस 98% दिया है और इसका 2%। परसेंटेज जोड़ के भी देखेंगे, अगर 100% इसका मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, अगर 100 से कम होता तो कहीं ना कहीं किसी और के बारे में मिसिंग है इन्फॉर्मेशन। तो इसका मान लिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम 100 है, तो इस 100 नंबर ऑफ एटम में अगर ये 98% है तो ये कितना हो जाएगा, 98 एटम, और ये हो जाएगा 2 एटम्स। तो क्या तरीका था एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है कि जितना परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज एबंडेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास, तो 12 यूनिट है, प्लस इसका है कितना 2 इंटू इसका मास 14 डिवाइडेड बाय 100 यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 12.04 यू, कह सकता है अर्थमेटिक ऑपरेशन से। तो इस तरह से अगर परसेंटेज एवरेंडेंस दिया रहे तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही आइसोटोप्स हो सकते हैं, और भी आइसोटोप्स हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखा जाए, कि अगर आयरन का 3 आइसोटोप्स दिया हुआ है 56, 57, 58, दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, एवरेज एटॉमिक वेट कहें या मास कहें, तो इसका परसेंटेज नेचर में दिया हुआ, परसेंटेज बाय नंबर, परसेंटेज एबंडेंस नेचुरली बाय नंबर, तो इसका मान लेते हैं कि 90% दिया हुआ है, इसका 5% और इसका 5%, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से सबको जोड़ रहे तो 100% आ रहा है। तो क्या होगा एवरेज, तो ये सब आइसोटोप्स हैं, मास नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप्स कहे जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा 26, 26, 26, तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का क्या तरीका है कि जो परसेंटेज दिया है इनटू कॉरस्पॉन्डिंग देयर एटॉमिक मास यूनिट, तो 90 इंटू 56 प्लस ये 5% है तो 5 इंटू 57, ये भी 5 है 5 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 100, लास्ट में यू लगाएंगे क्योंकि यू एज ए यूनिट है। आप अगर यू नहीं निकालते इसका मतलब एक नंबर दे रहे हैं जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास को इंडिकेट करेगा, रिव रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास को इनका इंडिकेट करेगा कि ऑन एवरेज ये एलिमेंट 1U के रिस्पेक्ट में कितना हैवियर होगा। ये नंबर तो हमको, ये तो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि कब यू को ऐड करना है, कब यू को ऐड नहीं करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू ऐड करने का मतलब है कि बेसिकली उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास मेजर करना चाह रहे हैं या बताना चाहते हैं, और यू हटा के केवल नंबर बताना चाहते हैं, दैट मीन्स वी आर जस्ट प्रजेंटिंग या रिप्रजेंटिंग इट्स रिलेटिव मास विथ रिस्पेक्ट टू 1U। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 56.15 U। तो चाहे दो आइसोटोप्स हो या तीन हो या कैसे भी हो, सभी के आइसोटोप्स कॉरस्पॉन्डिंग मास को जो भी आएगा ऐड करते हुए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और ये एवरेज निकालेंगे। एवरेज का यही कॉन्सेप्ट होता है, जिसका भी एवरेज निकालना है, जिस प्रॉपर्टीज का निकालना है उसका टोटल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर होगा। ये सिंपल अर्थमेटिक मीन्स टाइप का एवरेज ऐसे निकलता है। एवरेज बहुत तरह का होता है जो कि हम लोग 12th वाले
चैप्टर्स में मैथ्स पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करेगा, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से भी देखा जाए कि जैसे अभी परसेंटेज अबंडेंस दिया है तो एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है, कभी एवरेज एटॉमिक मास देगा तो परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन को पहले हम लिख देते हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि इफ एवरेज एटॉमिक मास या वेट ऑफ बोरोन इज 10.9, सिंपल यूनिट नहीं दे रहे, इसका मतलब रिलेटिव है, फाइंड परसेंटेज एबंडेंस बाय नंबर ऑफ B10 एंड B11। बोरोन का ये आइसोटोप्स दिया है, का क्या होगा। तो जस्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका रिवर्स कर दिया है, पहले हम परसेंटेज दिया रहता था तो एवरेज निकालते थे, एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे, इस बार एवरेज एटॉमिक मास दिया है तो परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन होगा, मैथ्स का तरीका सोचेंगे। तो अगर परसेंटेज अबंडेंस पूछा है तो मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम 100 है, आइटम्स ऑफ बोरोन जिसका निकालना उसी के आइटम्स का मान रहे हैं नंबर, तो 100 है, तो इस 100 में बताना है ना कि एवरेज अगर ये है तो कितना कौन क्या परसेंटेज है। तो किसी एक का मान लीजिए, तो B10 का मान लेते हैं X% और B11 का मान लेते हैं, B11 का हो जाएगा 100 - X%। तो जैसे ही एक्स के टर्म मान लिए तो स्ट्रेटजी तो वही हो गया, एक्स के टर्म मान लिए तो इसका मतलब परसेंटेज आपको पता है एक्स के टर्म में। तो जब परसेंटेज पता हो, इनका एटॉमिक मास यूनिट पता हो, एटॉमिक मास क्या होगा वो पता है, तो एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो इसका परसेंटेज एक्स है, एक्स इंटू 10, उसका 100 - X है, 100 - X (11)/100, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास 10.9 कर देते हैं। सॉल्व करिएगा तो एक 90 आएगा और एक 10 आएगा, सॉल्व करके दिखा देते हैं। 10X + 1100 इसको मल्टीप्लाई किया, -11X = 1000। तो इसको इस साइड लाते हैं और ये वाला पार्ट उस साइड ले जाते हैं, तो 1100 - 1000 = क्या हो जाएगा, 11X - 10X, दैट मीन्स एक्स। अच्छा 10.9 है ना, तो 1090 होगा, तो वैल्यू है कितना, 10 = X, दैट मीन्स ये आपका 10% हो गया और ये 90% हो गया। तो इसमें परसेंटेज पूछा था तो हम मान ही लिए, और फिर से जैसे ही मान लिए एक्स, एक का एक्स या दो ही पूछ रहा है, दोनों में क्या होगा, दूसरा का 100 - X कर दिया और एक्स के टर्म में ही एवरेज निकाल दिए। तो इस तरह से सोचा जा सकता है, मैथ्स ऐसे पूछ लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट जो सीखे हम लोग उसको उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सके। जैसे एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन दिया है 16.12 यूनिट है यू, और ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है 16, 17, 18, इसका 90% एबंडेंस दिया है नेचुरली बाय नंबर, और इन दोनों का सम दिया हुआ है 10% एबंडेंस बाय नंबर इन द नेचर। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद पूछता है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 17
एंड 18 परसेंटेज अबंडेंस फाइंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ओ 79 ओ 18 कितना होगा। फिर से स्ट्रेटजी वही रहेगा, परसेंटेज पूछा है तो एक का मान लेंगे कुछ, इसका मान लिया हम x, तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल दोनों का सम 110 है ना, तो 10 माइनस x हो गया। तो ऑक्सीजन का ये तीन आइसोटोप्स है जिसमें एक का तो वैल्यू दिया हुआ है 90, एक का x मान लिया और 10 माइनस x मान लिया और एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज निकाल लेते इन टर्म्स ऑफ x। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका होगा, तो निकालने का तरीका होगा इसका अगर 90 है तो 90 इंटू 16 प्लस इसका x मान चुके हैं तो x इंटू 17, इसका 10 माइनस x है 10 माइनस x इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 16.12 यूनिट है, इधर भी यू लिखते हैं उधर भी यू, तो यू और यू का यूनिट कट जाता। सॉल्व किया जाए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 17x 180 माइनस 18x 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 16.12 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, इनको इनको सॉल्व करेंगे तो और ये साइड ले आते हैं 16.12 माइनस 140 माइनस 180 तो 16.12 ये जीरो हो जाएगा 2 16 दैट मीन्स माइनस 8, माइनस माइनस कट गया एक्स इक्वल टू 8 तो ये आपका 8% हो गया और ये आपका 8 घटा दीजिएगा 2% हो गया। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जो कि एक मैथमेटिकल टर्म है उसके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं मास के हिसाब से। अगर सबका परसेंटेज अबंडेंस देगा तो एवरेज निकाल सकते हैं और अगर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है तो परसेंट। तो इस तरीके से हम लोग अगर परसेंटेज दिया रहता तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं और एवरेज एटॉमिक मास दिया रहेगा तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट होंगे जिनका एवरेज एटॉमिक वेट अप्रॉक्सीमेटेड करके इंटीजर्स टर्म में याद करना है हम लोग को, क्योंकि स्टोकियोमेट्री में उस एटॉमिक वेट फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो वैल्यू दे देता है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करना है तो याद रखेंगे हम लोग। तो हम लिखा देते हैं यहाँ पे जो सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका अप्रॉक्सीमेटेड एवरेज एटॉमिक वेट। तो अप्रॉक्सीमेटेड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन होगा इसका 1 लेंगे 1 यूनिट पे, हीलियम 4 यूनिट लेंगे, कार्बन 12 यूनिट लेंगे, नाइट्रोजन 14 यूनिट लेंगे, ऑक्सीजन 16 यूनिट, फ्लोरीन 19 यूनिट, सोडियम 23 यूनिट, मैग्नीशियम 24 यूनिट, एल्यूमिनियम 27 यूनिट। इस तरह से फॉस्फोरस 31 यूनिट, सल्फर 32, क्लोरीन इसका 35.5,
फ्रैक्शन में आया, इसका मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास रिपोर्टेड होगा। आयरन 56 लेंगे, कॉपर 63.5 और कैलकुलेशन से जी करने के लिए कभी कभी 64 इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ब्रोमीन कुछ ही इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं हम, ब्रोमीन 80 यूज करेंगे, सिल्वर 108, आयोडीन 127, मरकरी 200। ऐसे आपको जेड एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रहना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाइएगा तो ये दिमाग में रहता है जो क्वेश्चन सेट किया है कि बच्चे को इतना याद है। तो 1 से 30 तक याद करना आपकी जवाबदेही है। तो ये था हम लोग का एवरेज एटॉमिक वेट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी हिसाब से, जैसे हम लोग एटॉमिक मास पढ़े थे, एक एटम का मास, एटॉमिक मास में बहुत सारी चीज़ पढ़े, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, दूसरे स्पीसीज के लिए यूज होगा। जैसे हम लोग कह देंगे मॉलिकुलर मास, तो जैसे एटॉमिक मास समझे थे कि मास ऑफ वन एटम, तो मॉलिकुलर मास भी क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिकुल। अगर हम कहते हैं आयोनिक मास, तो आयोनिक मास से नाम क्लियर होना चाहिए कि नाम ही बता रहा है कि मास ऑफ वन आयन यूनिट। उस तरह से बोले फॉर्मूला मास, तो मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट। एम्पिरिकल मास, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसका मास। तो बहुत तरह का टर्मिनोलॉजी यूज होता है, तो उसको हम लोग अब कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि सब बेसिक टर्म्स में आएगा, फिर उसके बाद मोल इंट्रोड्यूस करेंगे, मोल से हम लोग का काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट होगा। लेकिन अभी एक सिंपल डेफिनेशन चलेगा जो बेसिक 9th-10th लेवल का है। नेक्स्ट है हम लोग का मॉलिकुलर मास। तो नाम से क्लियर है कि इट इज मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और हम लोग किस में देते हैं, यूनिट, यू में। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किए थे हम लोग, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन यू। और मॉलिक्यूल जनरली एटम से बना है, और एटम का एटॉमिक मास हम लोग को याद करना है कि किस एटम का क्या मास होगा, क्योंकि इस लेवल पे कौन सा एटम में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है उसका साइंटिफिक स्टडी नहीं करके सीधे हम लोग को बेसिस दिया गया। IUPAC कहता है कि आपको मानिए कि कार्बन में इतना होगा, नाइट्रोजन का ये एटॉमिक मास होगा, ऑक्सीजन का ये होगा, तो उसको बेसिस मानते हुए मॉलिक्यूल निकालना होगा। तो मॉलिक्यूल में तो एटम ही आते हैं, तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल एटम से बनता है तो जो जो एटम्स होंगे उन सभी एटम के मास को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर मास। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तो सेंस जा रहा है, तो मॉलिकुलर मास निकलेगा कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो सिंपल है, मॉलिकुलर मास निकालने का तरीका सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम होंगे उन सभी के मास को जोड़ देंगे, तो जो मास मिलेगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल पे देख लेते हैं एक दो। जैसे फर्स्ट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, सब याद रखना है। तो इसका एक मॉलिक्यूल इतने सारे एटम से बना हुआ है, इस टाइप के एटम से बना हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो 6 कार्बन से मास आएगा,
तो 6 इंटू कार्बन का अप्रोक्सीमेटेड एवरेज एटॉमिक मास कितना बोले हम लोग याद करने के लिए, 12, तो 6 इंटू 12, हाइड्रोजन 12 है, हर हाइड्रोजन का 1 होगा तो 12 इंटू 1, ऑक्सीजन 6 है 6 इंटू 16, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 180, लास्ट में यू लगा देंगे, यूज द यूनिट फॉर मास, वन मॉलिक्यूल का यू नहीं हटाएंगे, इसका मतलब ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल वन यू के रिस्पेक्ट में कितना हेवियर है, तो इसको कहेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उस तरह से अगर बोलता वर्ड यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, CONH2, या कोई बच्चा दो नाइट्रोजन देख रहा है तो इसको ऐसे लिख सकता था N2, चार हाइड्रोजन है तो H4CO, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो इसका मोल क्रमांक कितना होगा, दो नाइट्रोजन है 2 × 14, चार हाइड्रोजन है तो 4 × 1, वन कार्बन है तो 1 × 12, वन ऑक्सीजन है तो 1 × 16, ऐड करने पे आएगा 60 AU। उसी तरीके से ऑक्जेलिक एसिड तो इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, तो इसका मास कितना होगा, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1, दो कार्बन है तो 2 × 12, चार ऑक्सीजन है 4 × 16, ये वैल्यू आएगा 90, लास्ट में हम लोग यूनिट लगा देंगे U। ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होता है तो H2C2O4.2H2O, तो ये जब फॉर्मूला में वाटर रहे दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, इसको हम लोग हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इसके क्रिस्टल में वाटर चला गया होगा। क्यों चला गया होगा, क्या बॉन्डिंग हुआ, क्या स्ट्रक्चर हुआ, सब हाई चैप्टर्स की बात है, बताएंगे हम केमिकल बॉन्डिंग और आगे बढ़ते हुए सॉलिड स्टेट्स, इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब सिखाया जाएगा कि क्या होता है अंदर जाने पे, या यहाँ पर सिंपल वाटर कैसे आया होगा। अभी फिलहाल इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को एक मॉलिक्यूल मानेंगे, जिस पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है जिसमें इस टाइप के फॉर्मूला यूनिट का एक यूनिट यूज हुआ है और वाटर का दो यूनिट यूज हुआ है, ये जस्ट इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया है। तो एक तो वाटर अटैच्ड है इसलिए हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कह दिए, ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूला के साथ वाटर है इसको बोल देते हैं, जितना वाटर का नंबर होगा उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर दो है तो दो होगा, तीन होगा तो तीन, तो इसका ओवरऑल नाम क्या कहेंगे, दो है तो डाई हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो नाम हम लोग अलग से ही लिखना सिखाया जाएगा, यहाँ पे आया है इसलिए थोड़ा बहुत बता रहे हैं, एग्जैक्ट इस पर कमांडिंग जब इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें आएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिकुलर मास पढ़ने जा रहे हैं, तो उस मॉलिकुलर मास में अगर ये फार्मूला दिया है तो इस तरह के फार्मूला का मॉलिकुलर मास कैसे निकलेगा, तो कहता है कि ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल लीजिए, इस पूरे मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट एक यूनिट होगा और ये वाला पार्ट दो यूनिट होगा, तो सबका अलग अलग पहले मास निकालिए, तो H2C2O4 का तो पहले निकाल चुके हैं, अन्यथा पहले से निकालना पड़ता, तो लिख लेते हैं हम, इसका निकाले थे तो 2 × 1, 2 × 12, 4 × 16, ये कितना टाइम्स है, एक यूनिट टाइम्स है तो इंटू वन, अब प्लस ये तो रिप्रेजेंटेशन था डिस्टिंग्विश करने के लिए, सेपरेट करने के लिए डिफरेंट कि ये अलग यूनिट है ये अलग यूनिट है, तो इसका निकालेंगे तो ये कितना टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो टू से मल्टीप्लाई होगा
इस वाले फॉर्मूला का मास बताइए, तो दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 और एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16। सॉल्व करने पर आता है 126 यू। तो दैट विल बी द मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट फॉर्मूला। उस तरह से और बढ़ते हैं आगे हम लोग, सुक्रोज। सुक्रोज का पूछेगा मॉलिकुलर मास क्या है, तो फॉर्मूला बता देते हैं C12H22O11। तो 12 यूनिट है तो 12 × 12, 22 × 1, 11 × 16 जोड़ेंगे हम लोग 342 U। तो कोई भी मॉलिक्यूल का अगर दिया रहा है फॉर्मूला, उसके एटम्स जो होंगे उसके मास को जोड़ देंगे हम लोग, जो मास निकलेगा दैट विल बी द एटॉमिक मास।